एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया या कंपनी की तरफ से कोई आश्वासन मिला अभी तक आपको? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारे पास यहाँ आए, किश्तवाड़ से हमारे पास यहाँ आए। उसके बाद रहा सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या कंपनी की मैनेजमेंट की, अभी तक उनको ये कुछ नहीं है कि कोई लोग कहीं पर बैठे हैं, दर-दर बैठे हैं, तीन दिन से बैठे हैं, उनने कोई आश्वासन अभी तक नहीं दिया। जैसा कि डीसी साहब हमें मैसेज आया कि डीसी साहब टीआरसी में जा रहे हैं, पर उनको ये मालूम होना चाहिए था कि बीच रोड में कहीं लोग दर-दर हैं हजारों के हिसाब से, क्या मुझे उस पॉइंट पे भी बात करनी चाहिए थी कि खाली टीआरसी में दरबार करना पड़ेगा? उसके बाद रहा सवाल यहाँ हमारे लोकल की का, डीसी साहब का कहना है कि हमने ढूंढ के 75 लोग लगाए। अरे भाई लगाए अगर तो वो कहाँ है, जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हमारे 75 लोग कहीं लगे नहीं है प्रोजेक्ट में, वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। अब उनका कहना है कि अभी मुझे किश्तवाड़ भी है। अरे भाई यहाँ के कहाँ लग गए, किश्तवाड़ बाकी रह गया? पहले तो हक लोकलिटी का है, जब नाक्सनी ब्लॉक लगेगा, जमीन हमारी, पानी हमारा, सब कुछ हमारा, नुकसान हमारा हो रहा है, घर हमारे बर्बाद हो रहे हैं। ब्लास्ट 1 मीटर की जगह ये 4 मीटर कर रहे हैं, जिसकी हमने पहले भी एसआर साहब और तहसीलदार साहब को इन्फॉर्मेशन दी थी कि इनको ब्लास्ट कम करवाए। जब ब्लास्ट होता है ना, हमारे बच्चे डर के मारे अंदर भाग जाते हैं और मकान गिरने का अंदेशा रहता है। क्या ब्लास्ट इनको कम नहीं करना चाहिए था? पब्लिक जहाँ पर लोग रहते हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर अगर रहना है इनको, तो ब्लास्ट इनको 1 मीटर के अंदर करना है। ब्लास्ट ये 3 से 4 मीटर करते हैं, इनको तो जल्दी है प्रोजेक्ट खत्म करने की, प्रोजेक्ट खत्म करके ये तो चले जाएंगे, पर हमें बर्बाद क्यों करने पे तुले है कंपनी? और इसका साथ, कंपनी का साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे रही, ये कौन सी इंसाफी हमारे साथ हो रही है? इस बात को हम गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट साहब यहां आए, हमें कोई जरूरत नहीं है उनके साथ बात करने की, अगर उन्हें है तो वो आए, वरना हम भी उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। ये हम मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से।